एंड आई एम डॉक्टर फैसल महमूद है, मैं इन्फेक्शन डिजीज का हेड हूँ आगा खान हॉस्पिटल के अंदर। और बाकी जैसे बताएगा कि मैं शुरू से इस पर काम कर रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट के साथ और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी। दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आपको बताना है। एक तो ये कि नंबर वन आपका काम यह है कि लोगों को बताएं कि प्लीज़ परेशान मत हो, घबराएं ना। ज़्यादातर केसेस इस बिकॉज इसमें 80% ज़्यादा लोगों को बहुत ही हल्की पुल्की बुखार खांसी और वो ठीक हो जाते हैं, और अमवात जो होती हैं वो भी सिर्फ 2% लोगों के अंदर, और वो भी उन लोगों में जो ऑलरेडी जिनके कुत मुदाफियत कमज़ोर हो, जो जिनके फेफड़े ख़राब हों, उन लोगों में होती हैं जो सिगरेट पीते हों, जो दमे की बीमारी के हों, जो ज़ईफ़ हों। तो वो लोग जो नॉर्मल चलते फिरते बंदे हों उनके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो खांसी बुखार और फिर ठीक हो जाते हैं। सो दैट्स नंबर वन थिंग। लोगों के जहन में ये है कि उनको ये वायरस लगेगा और ये बिल्कुल यू नो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, दिस इज़ नॉट ट्रू। ये एक तो ये देखना है। दूसरा जो हिफाजी तदबीर की बात की थी, तो इसके अंदर दो तीन चीज़ें बहुत अहम और बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि हाथ साफ़ रखना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब आप बाहर कहीं हों, और हाथ साफ़ रखने के लिए जैसे कि इन्हें बताया डिसइंफेक्टेंट होते हैं अल्कोहल वाले, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ साबुन से धोते रहें, और जब बाहर हों तो कोशिश करें कि अपने मुंह को नाक को आँख को ना छुएं, क्योंकि ये वायरस मुंह और नाक और आँख के ज़रिए आपके अंदर जा सकता है। आम लोगों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, ये वायरस बहुत दूर नहीं फैलता, ये सिर्फ तकरीबन 1 मीटर दूरी जाता है, तो यानी कि आम लोगों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी मरीज़ को देख रहे हैं जिनको ये बीमारी हो सकती है तो फिर ही उसी के से मास्क पहने। इस वजह से हस्पताल में जो अमला है वो शायद मास्क पहने, क्योंकि नहीं पता कि पेशेंट है कि नहीं, मगर आम लोगों को मास्क पहनने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। और मास्क भी अगर पहनना है तो वो सिंपल वाला मास्क है, वो ख़ास मास्क इसके लिए पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे किसी इलाके से आएँ जहाँ पर यह वायरस फैला हुआ है और आपको कोई अलामत नहीं है, तो बेहतर है कि चूँकि हमको नहीं पता कि आपके अंदर वायरस मौजूद है, आपको अलामत होंगे कि नहीं होंगे, तो बेहतर है कि आप अपने घर ही में रहें, लोगों से कम मिलें। और याद रखें एक दफ़ा वायरस अंदर घुसता है तो 14 दिन के अंदर अंदर अलामत आ जाते हैं, अगर 14 दिन गुजर गए तो फिर आप सेफ हैं। तो 14 दिन का टाइम है, उससे भी यूजली कम, अगर 14 दिन मैक्सिमम इसका टाइम है। और अगर आपको लगता है कि आपको अलामत हैं तो फिर जो हेल्पलाइन जिसका नंबर आपको मिल जाएगा उस पर रुजू करें। हेल्पलाइन आप बता दें। मैं बताया था, चलें। मैंने नहीं बताई तो मैं डॉक्टर साहब से कहता हूं। सो हेल्पलाइन का नंबर है 02199924403 02199924405 and 03160111712। और इसके ऊपर फिर आपको बता दीजिएगा कि क्या करना है आपको। 1166 और जी ऑफ कोर्स एंड 1166 पे भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं इसके बारे में।